नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपिका राउत, मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ। आज मुझे यहाँ पे अंजुमान इस्लाम हाई स्कूल में मिस्टर खलील शेख ने इनवाइट किया है एक डेंटल चेकअप कैंप करने के लिए, जिसके लिए मैं उनकी बहुत धन्यवाद हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत ज़्यादा लोग बड़ी मात्रा में आए हैं चेकअप करने के लिए, और सबकी कंडीशन देख के सबको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सब लोग जो भी सलाह मैंने दी है उसका पूरा ध्यान रखेंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट कराएंगे, क्योंकि दांतों का सही होना अपने शरीर के लिए, अपनी तबीयत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ठीक से चबा पाते हैं तो ही जो हम खाते हैं उसका अपने शरीर को बेनिफिट मिलता है, नहीं तो वो वेस्ट जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से अपने दांतों का ख्याल रखें। जी, मेरा नाम डॉक्टर मयूर पाटिल है और मैं जनरल फिजिशियन हूँ। खलील सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया और कैंप के लिए रिस्पांस का भी अच्छा था, काफ़ी लोग आए और दवाइयाँ भी काफ़ी अच्छी तरीके से उनको डिस्पेंस की है। लोगों को अभी मास्क पहनना ज़रूरी है, अभी कोरोना गया नहीं है और बाकी वायरल डिसीजेज भी है, इसके लिए मास्क पहनना तो ज़रूरी है, साथ में हैंड वॉश वगैरह जो भी प्रिकॉशंस है वो भी लेने। गुड आफ्टरनून, सबको मेरा सादर प्रणाम है। यहाँ पे हमारे अंजुमन उर्दू स्कूल में आज मेडिकल कैंप लगा है, उसके बारे में ही मैं डॉक्टर दिनेश देशमुख, गोपचरपाड़ा में मेरा दवाखाना है, उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। तो वहाँ पे मेडिकल कैंप के लिए मैं इधर आया हूँ, तो इसके हिसाब से आज मेडिकल कैंप को अच्छा सा प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेडिकल कैंप के इधर से, तो और अच्छे से दवा भी दे रहे हैं इधर कैंप की तरफ से। हम जो जितना हो सके हम हमारी तरफ से कर रहे हैं, बाकी का जो पेशेंट है अलग अलग पेशेंट के डिपार्टमेंट में हम भेज रहे हैं। किसी को आँख का प्रॉब्लम है, किसी को नाक का प्रॉब्लम है, बाकी सब बीमारियाँ अलग अलग डॉक्टर को देख रहे हैं। मैं इधर यहाँ पे जनरल फिजिशियन तौर पे आया हूँ, सर्दी खांसी ब्लड प्रेशर दमा अस्थमा बाकी की सब बीमारियाँ इलाज हम करते हैं यहाँ पे। बस इस तरह से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आपने यहाँ पे आने का एक मौका दिया है। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड कैंप हियर, तो ये जो कैंप है इसमें वी हैव गॉट बोथ टाइप्स ऑफ केसेस, कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस है और कुछ जनरल केसेस भी है। अब जनरल केसेस में जिनको खून की कमी है, एनीमिया है, चलने पे दिक्कत आती है, सांस फूलती है, फंगल इन्फेक्शन है, रूटीन स्किन, रूटीन डेंटल क्लिनिक्स भी हमने कुछ डेंटिस्ट वगैरह को भी बुलाया है तो वो लोग भी मौजूद है। फिर हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी है, तो जिनको मेंटल इलनेसेस वगैरह, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज जो भी है, सो वी हैव ऑर्गेनाइज अ फ्री कैंप फॉर देम। एंड नॉट ओनली द डायग्नोस्टिक पार्ट बट ऑल्सो वी हैव टेकन केयर कि उनको जो इसेंशियल मेडिसिन है वो दिए जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमने उनको इसेंशियल मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो काम है इसमें एंड फ्यू ऑफ द केसेस वी हैव टेकन विच आर ऑफ स्पेशलाइज कैटेगरीज, जैसे कुछ कार्डियक केसेस है या फिर कुछ नेफ्रो वाले इश्यूज हुए हैं या फिर कुछ जो क्रोनिक सीएनएस डिसऑर्डर्स है, पैरालिसिस वाले पेशेंट जो जिन, एंड एक चीज़ हमें देखने मिलती है व्हेन वी कम इन द कम्युनिटी इज दैट कि पीपल नेग्लेक्ट देयर हेल्थ अलॉट। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे जो एस्पिरिन ले रहे थे, उन्होंने 5-10 साल ली एंड फिर खुद से ही छोड़ दी है एस्पिरिन, तो ऐसा नहीं होता है। आपने एक तो इससे होता है कि डॉक्टर एंड कम्युनिटी का एक टच बनता है कि उन्हें भी पता चलता है कि कम्युनिटी एक हेल्थ की तरफ किस तरह का अप्रोच रखती है, और उसी तरह से एक कम्युनिटी में भी अवेयरनेस जागती है कि हर चेस्ट पेन जो है वो कार्डियक इलनेस नहीं होता, या चेस्ट पेन के भी कई और वजह होती है, तो उनके भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, उनके भी जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, वो सब क्लियर होते हैं। तो इस कैंप में हमने डायग्नोसिस पार्ट, फिर कुछ ट्रीटमेंट पार्ट, एट द सेम टाइम पेशेंट अवेयरनेस पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और वन ऑफ द मेजर पर्पस ऑफ दिस कैंप इज़ ऑल्सो सर्कमसीजन, सो जो हम खतना करवाते हैं सर्कमसीजन, इसके काफ़ी मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो वी हैव गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ऑलमोस्ट मोर देन 30-40 पेशेंट्स हैव अंडरगॉन सर्कमसीजन ओवर हियर अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस एंड प्लस हमारे पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए थे, कुछ प्लास्टिक सर्जन्स आए थे। आज मैंने एक केस देखा जिसको शी वॉज कंप्लेनिंग ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन, एंड उसको था टेरिजिम, जो आँख का पर्दा कहते हैं जिसे, तो उसे पता ही नहीं था कि ये चीज़ जो है हुई है उसकी वजह से उसे आँख का तक प्रॉब्लम है। तो उसे हमने यहाँ पे हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आए हुए थे, तो उसको हमने बताया इस चीज़ से, तो वो रिफ़र हुई और फिर उसे पता चला कि ओ ये तो ये डिजीज़ है एंड दिस इज़ ट्रीटेबल। सो एक डिजीज़ का एक हद तक पहुँचने से पहले उसको पकड़ना, और दिस इज कॉल्ड एक्टिव सर्वेलेंस, सो एक्टिवली फाइंडिंग आउट द केस एंड ट्रीटिंग इट,
बिफोर वो उस हद तक पहुंच जाए कि हम कुछ ना कर पाए. सो ये हमारा मेन पर्पस है, सर्विस टू पीपल, सर्विस टू ह्यूमैनिटी. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एडवोकेट खलील साहब, एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू द एंटायर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर कॉलिंग अस, फॉर इन्वाइटिंग अस, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड दिस इज़ वन फॉर्म वेयर वी कैन सर्व पीपल. एंड माई मैसेज फॉर डॉक्टर्स इज टू कंटिन्यू द सर्विस टू पीपल. मोर ओवर, मोर देन सर्विस, कंटिन्यू अवेयरनेस अमॉन्ग्स द पीपल. यू नीड टू मेक देम मोर अवेयर, उनको और जागरूक करना ज़रूरी है. जिस तरह से हम कहते हैं ना ग्राहक जागो, उस तरह से ये होता है पेशेंट जाग जाओ पेशेंट. ऐसा तो कोई भी सिम्टम्स आता है तो आपने एक डॉक्टर से एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए. हमारे माँ बाप के बाद जो सबसे बेहतर रिश्ता होता है ना, वो एक डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता होता है. तो उस रिश्ते को कायम करके एक पेशेंट भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ग्रो हो एंड एक इंडिया, एक हेल्दी इंडिया बने, ये हमारी सोच है. थैंक यू. गरीब इलाका बहुत है यहाँ पर, थोड़ा गरीब जी. इस तरीके के कैंप में बहुत फायदा पहुँचाता है और सब धर्म के लोग इसमें आते हैं, सब मजहब के, सबको फायदा होता है इसमें. हाँ, सब मजहब के लोगों को एंट्री बुलाया गया है. नहीं, अतराब के जो करीब करीब के लोग आ जाते हैं, जिनको सहूलत होती है आ जाते हैं. नहीं नहीं, सब मेरे दोस्त लोग हैं. अब ये डॉक्टर संजान से आए हैं, वो शेख जो है, खान जो है, बुमराह से आए हैं, कोई सुपारा से है, कुछ विरार से, इस तरह से डॉक्टर हैं. हाँ, लोगों के लिए एक सोशल सर्विस के लिए. जी 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 जी, जी, जी. फिर भी कुर्बानी देके डॉक्टर लोग आते हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी है. संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, खिदमत है, करना चाहिए. लोगों को ज़रूरत है, लोगों को सहूलत होती है, अपना जो हो सके उतना जितना करो. ये हर एक ने ये काम करना चाहिए, मैं तो बोलूँगा. और हमारे उर्दू स्कूल के बहाने जरिए हम लोग ये काम कर रहे हैं.